केंद्र सरकार में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में फैल रही जहरीली हवा को लेकर गंभीर आरोप लगाए। चलिए आपको दिखाते हैं प्रकाश जावड़ेकर क्या बोले। नहीं करूंगा, लेकिन बताना चाहूंगा कि आखिर ईस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल वे के लिए और ये बाईपास रोड जिससे दिल्ली का प्रदूषण सीधा कम होने वाला था उसके लिए 3500 करोड़ रुपए राज्य सरकार को देने थे, वो दिए नहीं। आखिर कोर्ट ने आदेश दिया कि 1000 करोड़ तुरंत जमा करो, कोर्ट को आदेश करना पड़ा। तो मुझे लगता है, आज भी मैं अपील करता हूं, हरियाणा पंजाब को दोष देना, एक दूसरे को दोष देना, इसके बजाय प्रदूषण के खिलाफ जो मोदी सरकार ने नीति अपनाई कि पांचों राज्यों के लोगों को इकट्ठा बिठाकर उद्योगों में और अन्य गतिविधियों में प्रदूषण कैसे कम हो इसकी चिंता करें, उसका पालन करें, ये करने की जरूरत है। लेकिन ये छोड़कर आपस में दोषारोपण करने लगेंगे तो कच्ची चिट्ठियां तो बहुत खुलेगी, लेकिन जनता को प्रदूषण से राहत देना हमारा सबका मिलकर काम है और उसके लिए लोगों का भी सहभाग चाहिए, सरकारों का भी सहभाग चाहिए, उद्योगों का भी सहभाग चाहिए, किसानों का भी सहभाग चाहिए। तो सबको साथ लेकर चलने की जो हमारी भूमिका है वही कारगर बनेगी। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि ई व्हीकल से हम यहां शुरू कर रहे हैं और मैं भी ई व्हीकल का इस्तेमाल करूंगा, और क्योंकि ये गाड़ी अच्छी लग रही है तो मैं चला के भी दिखाऊंगा अभी, और बहुत बहुत सबको बधाई। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।